मैं अपने इस YouTube चैनल पे जो भी शेयर करता हूँ, जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, अपने दिल से बताता हूँ, और मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल को ज़रूर छूती है। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स, आपके कॉल्स, मैसेजेस के थ्रू ये मुझे मालूम पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं YouTube के अलावा बाकी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोज़ बनाता हूँ, चाहे वो Instagram हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो। मैं लगभग 550 से ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ एक साल से कम समय में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ होती है, चाहे मेरी यूट्यूब की पेमेंट्स आ रही है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, जो भी मेरे साथ चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी कर पाएँ जो मैं कर पा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप लोग तक पहुँच पा रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को ये करना चाहिए? आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एक शेफ़ हैं, कौमी लेवल पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, सू शेफ़ हैं, या किसी भी एक छोटे फूड बिज़नेस को चलाते हैं, आपके होटल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, आप लोग क्लाउड किचन चलाते हैं, घर से काम करते हैं, तो क्या आपको YouTube पे वीडियोस बनानी चाहिए, या बेसिकली आपको वीडियो का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा, जिस समय मैंने चैनल स्टार्ट किया, मेरी तरह कई सारे चैनल्स और बने, जिन काफ़ी लोगों ने मेरी कॉपी भी करी, मेरे डायलॉग्स कॉपी करे, जिस तरीके से मैंने एक अलग यूनिक तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी, वो भी कॉन्सेप्ट जो चोरी हुए, पर आप देखेंगे अब वो चैनल कहीं नहीं है, कोई बिल्कुल ही गायब हो गया है, कोई बिल्कुल भी बंद हो गया है, और किसी की तो वीडियो भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप सिर्फ YouTube पे पैसे के लिए आ रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना है, लोगों की लाइफ में चेंज लाना है, आपके पास जो भी नॉलेज है लोगों तक पहुंचाना है, यहां से आपको अर्निंग भी होगी, वो 100% श्योर है आपको, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप लोगों के सपने पूरे कर पाएंगे, आप लोगों को एक तरीके से राह दिखा पाएंगे कि उन्हें लाइफ में, कैरियर में आगे क्या करना है, अगर आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स लोगों को सेल कर पाएंगे, आप अपनी सर्विसेज लोगों को दे पाएंगे, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें अगर आपके मन में हैं तो आपके लिए वीडियो टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, स्पेशली यूट्यूब और इंस्टाग्राम, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग एक्टिव हो सकते हो। एक छोटे से अगर मैं डाटा की बात करूँ, एक महीने के अंदर लगभग 26 करोड़ लोग इंडिया में यूट्यूब को देखते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें, लगभग 200 कंट्रीज़ अगर आप मिलाओगे, तब भी जाके जो उनकी टोटल आबादी होती है, जनसंख्या होती है, वो 26 करोड़ नहीं हो पाती है। उतने लोग मात्र एक महीने के अंदर YouTube देखते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, चाहे आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोग घर से कोई काम करते हैं, कोई एक शेफ़ है, किसी भी लेवल पर हो, कौमी लेवल का हो, चाहे आप छोटे से किसी ढाबे में काम कर रहे हैं, आप सबके लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसे ग्रैब करना आना चाहिए और आपको ये ग्रैब करना ही चाहिए। दूसरा, यहाँ से जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं तो आपको नहीं आना है, पर जब आप अपने कंटेंट के द्वारा, अपनी वीडियोस के द्वारा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और लोग आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वो आपसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मांगते हैं। जैसे कि जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी, मैं बच्चों के लिए कंटेंट बना रहा था, होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए, जिनको कि अपने ट्रायल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उनके लिए कई सारी बुक्स रेडी कर दी। आप लोगों ने बाकी भी देखा होगा कि मैं अपने जो सर्विसेज सेल करता हूँ, चाहे मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज हो गए, रेस्टोरेंट के कोर्सेज हो गए, मेंटरशिप प्रोग्राम हो गए, तो वो उनका मैंने उनको सोल्यूशन दिया अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के द्वारा। तो आप सभी लोग जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने लिए एक यहाँ पे डिजिटल असेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप सो भी रहे हैं तब भी आपके लिए वहाँ पे इनकम क्रिएट हो रही है। मैं लगभग, मेरी दो बार की पेमेंट YouTube से आ चुकी है, और जो कि लगभग 50,000 से कम है, मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बताऊंगा, पर लगभग दो महीने के अंदर मैंने 50,000 का जो फिगर है वो क्रॉस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मेरे लिए अर्निंग अपने आप होती जा रही है। बाकी इसके अलावा भी कई सारे तरीके और भी होते हैं जिनके द्वारा हम लोग YouTube में कमाते हैं।
सबसे पहले जो कि YouTube की मैंने इनकम आपको बताई, जो भी हमारे वीडियोस पे ऐड आती है उसके थ्रू। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, जैसे कि मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, मेरी बुक्स हैं, मैं कंसल्टेंसी सेल करता हूँ, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरे शेफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, और भी कई सारे मेरे प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं सेल करता हूँ। मेरी सर्विसेज हैं, सर्विसेज का मेरा मतलब है कि अगर कोई कंसल्टेंसी ले रहा है मुझसे, मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अफिलेट मार्किंग के द्वारा कमाता हूँ। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा, मैं लोगों के प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, या मैं किसी को अगर कुछ लिंक्स देता हूँ, लीड्स देता हूँ, तो उसके भी हम लोग चार्ज करते हैं। बेसिकली ये मैं नहीं कर रहा, बाकी सब लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो। इसके अलावा अभी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अगर ये सारे इनकम को अगर मैं टोटल करूँ, तो एक बहुत ही अच्छी इनकम आप बोल सकते हैं हो जाती है, अगर आप एक कोई और भी बिजनेस कर रहे हो। पर वहीं जब आप कुछ और बिजनेस भी कर रहे होते और ये चीज़ उसमें इंक्लूड कर देते हो, तो वो इनकम का जो दायरा होता है काफ़ी बढ़ जाता है। तो वीडियोज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, अब बोलेंगे क्या हमें सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाने लग जाने चाहिए, या कोई भी शेफ जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ के वीडियोस बनाने लग जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने जो मैंने आपको ये पैमाने बताए इन पे खरे उतर रहे हैं, अगर आपका मोटो लोगों को सर्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब नहीं है, मैं ये चाहता हूँ जब मैं मर जाऊँ, मैं वीडियो के द्वारा लोगों के आँखों में आगे जिंदा रहूं, तो अगर आपका भी यही मोटो है, अगर आप भी चाहते हैं कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट हो, उनके सपने पूरे हैं हो, उनको एक सही दिशा मिले, तो आप यूट्यूब पे आइए। बाकी जब भी जैसे भी आप आएंगे, आपको जो इनकम तो होगी, यहाँ से अर्निंग होगी ही, साथ साथ आप जब इनकम जनरेट कर पाएंगे, तो उससे आप अपने जो बिज़नेस को भी आगे बिल्ड कर पाएंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे मैं कई सारे और बिजनेसेस भी यहाँ पे लाने वाला हूँ, मेरे अपनी क्लॉथिंग लाइन भी आएगी, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें होंगी, और उनके लिए भी मुझे यहाँ आप बोल दीजिए फंड्स की ज़रूरत है। तो इनकम करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो। दूसरा, हम लोग सोशल मीडिया में अगर पूरे दिन की बात करें, तो कई कई घंटे हम लोग यहाँ पे बिता देते हैं, और हम लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों से बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोग वीडियो शेयर करते हैं। तो वहीं अगर आप कुछ समय आप लोग अपने लिए खुद के लिए निकालोगे, खुद के लिए वीडियो क्रिएट करना शुरू करोगे, जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, आपने जो अभी तक अपने स्कूल्स में पढ़ा है वो शेयर कर सकते हैं, शेफ लोग जो कि ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस होते हैं अपने खाने की वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, आप होटल्स के रेस्टोरेंट्स के रिव्यू कर सकते हैं, स्विगी जोमेटो से खाना मंगा के उनको रिव्यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक्स रेडी कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, और बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं, एंडलेस तरीके हैं। जितनी आप क्रिएटिविटी दिखा पाओगे, जितना आप इस फील्ड में काम करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें पता चल पाएंगी। जैसे कि मैंने छोटी बुक्स से स्टार्ट किया था, मैं प्रोग्राम कोर्सेज भी सेल करने लग रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, तो यही सारी चीज़ें जब आप करने लग जाते हो, तो आप अपने लिए एक तरीके से बिज़नेस क्रिएट करने लग जाते हो, और इतनी ज़्यादा लग्जरी है कि आप लोग घर में बैठ के भी ये काम करो, चाहे आप ऑफिस में काम करो, और इतनी ज़्यादा आपके पास आज़ादी हो जाती है, आपको कभी भी समय का बाउंडेशन नहीं होता कि भाई मुझे सुबह उठना है, शाम को उठना है, जब भी उठिए आपकी वीडियोस बनानी है आपको, और अपने बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड करना है। तो यही सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो लाइफ में करना, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैं कभी नहीं आप लोगों को मना करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी अपनी बुक सेल करें, अपने प्रोडक्ट सेल करें, अपनी सर्विसेज सेल करें, और इस मार्केट को एक बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाए, जिस प्रकार से हमारे टेक का मार्केट है या कोई और प्रोडक्ट के जो मार्केट हैं। यहाँ पे सेम अगर आप देखेंगे मेरी जर्नी, लगभग एक साल के अंदर मैंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। अगर आप सैलरीज की बोलें, अगर मैं कंपेयर करूँ सैलरी से, तो सैलरी की अगर मैं कंपेयर करूँ, तो लगभग दुगना या उससे भी ज़्यादा बोल दीजिए, और जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, आप लोग मुझे जानते जा रहे हो, आप लोगों का प्यार उतना मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके मेरी ग्रोथ और भी बढ़ती जा रही है, और ये आगे बढ़ती ही जाएगी। पर यहाँ पे मैं हमेशा सेल्फलेसली काम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं कभी भी जो पैसे वाला पार्ट है मैं हमेशा एक तरफ रखता हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझे देख रहा है मैं उन्हें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से चीज़ें बताऊँ। अगर मेरे लिए चीज़ें ये वर्क कर रही हैं, तो आपके लिए भी वर्क ज़रूर करेंगी, आपको भी सेम वीडियोज़ क्रिएट करना शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, आप जो भी किसी भी फील्ड में, तो एटलीस्ट ट्राई करना ज़रूर कीजिए, परमानेंटली मत कीजिए, पर आप जब धीरे धीरे उसे करना स्टार्ट
स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपने कुछ समय के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी पकड़ बना ली है, आपके पास इतने सारे व्यूअर्स आ गए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए जो कि आपके लिए कस्टमर बेस का काम करते हैं। साथ साथ आप अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक अपना एक यूट्यूब का जो वीडियो मेकिंग कोर्स है वो भी सेल करता हूँ, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं जिसमें कि आपके लिए सिर्फ आपको वीडियोस बनाने को नहीं मिलेगा, आपको किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है आप वो भी सीख पाओगे। आप ये सीख पाओगे कि भैया अगर मुझे कुकिंग की वीडियोस नहीं बनानी है या मुझे किसी भी चीज़ की वीडियोस बनानी, तो आप किस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से उसको लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्जीक्यूशन ही होता है। आपको यहाँ पे किसी भी महंगे कैमरे होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली अभी भी अपने एक मोबाइल के साथ वीडियोज़ बनाता हूँ। आपने देखा होगा नॉर्मली मेरे पीछे एक दीवार ही रहती है, और कभी या बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो मैं बाहर कभी रोड पे बना देता हूँ, कहीं कहीं भी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट आप लोगों के पास पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ क्या बैठा। कई सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा कि मैं कभी भी गाड़ी में भी बना देता हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। अगर समय नहीं मिल पाता तब भी मैं कंटिन्यूटी बनाए रखता हूँ कि मेरे जो भी लर्निंग्स है वो आप लोगों के पास पहुँच पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से वीडियो अपने और बनना, अपने लिए वीडियोस बनाना और अपना आगे जाके एक वीडियो एक पूरी तरीके से बिजनेस क्रिएट करना, तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप में है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो का जो कोर्स है, वीडियो मेकिंग कोर्स है, आप उसे ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता होगी। चाहे आप एक शेफ है, एक कॉमी है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप कोई क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट या होटल चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने लिए एक जज कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे ये आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।